मधवापुर प्रखंड उप प्रमुख बीरचंद पटेल पर लगे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुई बैठक में उप प्रमुख की कुर्सी चली गई। बैठक प्रमुख सुनीता देवी की अध्यक्षता में हुई। विदित हो कि 22 फरवरी को उप प्रमुख बीरचंद पटेल पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 11 पंचायत समिति सदस्यों ने कार्यपालक पदाधिकारी सह BDO राजेश कुमार को आवेदन दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक में कुल 15 सदस्य पहुंचे। BDO की मौजूदगी में अविश्वास को लेकर मतदान कराया गया, जिसमें 12 सदस्यों ने अविश्वास के पक्ष में मतदान किया, जबकि 2 सदस्य विपक्ष में मतदान किया, एक मत अवैध हो गए। बताते चले कि मधवापुर प्रखंड में कुल 17 पंचायत समिति सदस्य है। बैठक में 15 सदस्य उपस्थित रहे। मतदान के उपरांत उप प्रमुख बीरचंद पटेल पर अविश्वास लगा दिया गया और इनकी कुर्सी चली गई। BDO सह कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि बैठक में कुल 15 सदस्य उपस्थित हो सके, जिसमें 12 सदस्य अविश्वास के पक्ष में अपना मतदान दिया, जबकि 2 विपक्ष में मत दिया, एक मत अवैध हो गए, जिसके उपरांत उप प्रमुख बीरचंद पटेल पर अविश्वास कायम हो गया, जिसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को दे दी गई है। जिला से प्राप्त निर्देश के बाद उप प्रमुख पद के लिए मतदान की तिथि निर्धारित की जाएगी। बैठक में उपस्थित रहने वाले पंचायत समिति सदस्यों में दीपक कुमार सिंह, इंदु देवी, अविनाश कुमार, विनय कुमार झा, रुदल सहनी, वीणा देवी, राम सेवक मंडल, ओम प्रकाश महतो, जसीना खातून, सुनीता देवी, कर्पूरा देवी, रतन देवी, शिव कुमार शत्रुघ्न सहनी समेत 15 सदस्य शामिल थे। लेकर जो बैठक बुलाई गई थी उसमें क्या कैसा रहा है? सबसे पहले हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लगाए थे उप प्रमुख के विरोध, उसमें आज 15 पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी गर्व की बात है हम सभी सदस्यों के साथ माननीय पूर्व प्रमुख लीला देवी भी उपस्थित हुए, हम लोगों को गर्वांचित हुआ। और उन लोगों के सभी सदस्यों के साथ उपस्थित जितने भी पंचायत समिति सदस्य थे उनके द्वारा जो निर्वाचन का दिशा निर्देश है वोटिंग हुआ, उसमें 12 मत जो है सो प्राप्त हुआ हटाने के पक्ष में, और 2 मत जो है सो रखने के पक्ष में हुआ है, और एक रद्द घोषित किया गया है। क्या लगता है यहाँ से मधवापुर प्रखंड के उप प्रमुख के लिए जो कुर्सी है, अब यहाँ से किस तरह की दावेदारी अब शुरू होने जा रही है? यहाँ से हम जितने पंचायत समिति उपस्थित थे इस बैठक में सभी लोगों के साथ, जितने भी 17 सदस्य हैं उन लोग के साथ उपस्थित रहेंगे, और कार्यकाल जो है बहुत अच्छा से ही चलेगा। हम सभी सदस्य सम्मानित हैं, हम लोग विकास की ओर ले चलेंगे अपने प्रखंड को। ठीक, अभी उप प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई, मतदान भी हुआ, बताएंगे कैसे क्या घोषणा हुआ, क्या रिजल्ट हुआ? दिनांक 22 तारीख को कुल 11 सदस्यों के द्वारा वर्तमान में माननीय उप प्रमुख जो कि बीरचंद पटेल जी थे उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु आवेदन माननीय प्रखंड प्रमुख को दिया गया था, और तदुपरांत उसकी प्रतिलिपि भी मुझे दी गई थी। उस आवेदन के आलोक में माननीय प्रखंड प्रमुख के द्वारा तिथि का निर्धारण किया गया, आज की तिथि का निर्धारण किया गया था अविश्वास प्रस्ताव हेतु, और उस अविश्वास प्रस्ताव पर आज सर्वप्रथम चर्चा करवाई गई। चर्चा के पश्चात चूँकि मधवापुर प्रखंड अंतर्गत कुल 17 समिति सदस्य हैं, तो स्पष्ट है कि इसमें मत विभाजन के लिए मिनिमम 9 सदस्यों की आवश्यकता है, और आज के बैठक में 17 में से 15 सदस्य समिति के सदस्य उपस्थित थे प्रमुख को जोड़ करके। हालांकि आज के बैठक में वो प्रमुख नहीं थे, तो उस पर जो है चर्चा हुई। चर्चा के पश्चात 12 मत प्राप्त हुए थे अविश्वास के समर्थन में, और 2 मत प्राप्त हुए अविश्वास के विपक्ष में, अर्थात नहीं हटाए जाने के पक्ष में, और 1 मत रद्द हुआ। इस प्रकार 15 सदस्यों के द्वारा 15 मत डाले गए, जिसमें से 12 मत अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में एवं अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में, 2 मत प्राप्त हुए और 1 मत रद्द हुए। और चूँकि 12 मत अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में है, इसलिए जो है आज अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। अभी से जो है श्री बीरचंद पटेल जी माननीय उप प्रमुख नहीं रहे, अब आगे हम लोग निर्वाचन आयोग जिला के माध्यम से निर्वाचन आयोग को हम इसकी सूचना देंगे, तदुपरांत वहां से तिथि का निर्धारण होगा उप प्रमुख के चुनाव हेतु। जब तिथि का निर्धारण होगा तो हमारे जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनके अध्यक्षता में चुनाव करें, निर्धारित तिथि को उप प्रमुख का चुनाव कराया जाएगा।
आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।